हाँ भैया, क्या चाहिए? अरे भैया, कब से खड़े यार, आपकी बेटी सामान ही नहीं दे रही यार। क्यों नहीं ये भैया, कब से खड़े, तुमको सामान क्यों नहीं दे रही तू? और ये क्या पढ़ाई लिखाई कर रही है? जब तेरा बाप अनपढ़ है तो तू पढ़ लिख के क्या कर रही है? और फिर भी तू तो लड़की है, जय सामान जमा। अरे बड़ा भैया, कैसा आप? ठीक हूँ छोटे, और तू बता, तेरी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? ले बेटा अलसिफा, पानी लेकर आ। तो भैया, मुझे आपसे एक काम था। ये मेरे कॉलेज के कुछ डॉक्यूमेंट है, इस पर मुझे पापा के अंगूठे के निशान चाहिए थे। अब पापा तो है नहीं, इसलिए आप लगा दो। बस इतनी सी बात? क्यों नहीं भाई, और वैसे भी तो हमारे खानदान का पहला लड़का होगा जो पढ़ लिख गया होगा और हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा। रुको पापा। हाँ क्या हुआ? पापा, इसमें लिखा है दुकान घर सारी जायदाद मैं अपने छोटे भाई के नाम करना चाहता हूँ। मैंने तुझे पढ़ा लिखा और इस काबिल बनाया और तू मेरे साथ ही ऐसा करना चाहता है? भाई मुझे माफ कर दो। माफ कर दूँ? चले जा मेरी नजरों सामने से, आज के बाद ये शकल मत दिखाना। बेटा मुझे माफ कर दे, आज से तू दुकान और घर का काम नहीं कर रही, आज से बस तू पढ़ ही लिखेगी।